एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आईटी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं टैली ईआरपी 9। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। इस समय आप हमारे डेस्कटॉप पे देख सकते हो टैली ईआरपी 9 जो है इसका सॉफ्टवेयर है यहाँ पे टैली का। तो इसको ओपन करने के लिए हमको माउस का डबल क्लिक इसके ऊपर करना है, या फिर आप यहाँ पे विंडोज के ऑप्शन में जाके उसको सर्च भी कर सकते हो। वो सॉफ्टवेयर को एरो पर क्लिक कीजिए और सर्च कर दीजिए यहाँ पे टैली करके यहाँ पे, तो आपको देख सकते हो यहाँ पे टैली ईआरपी 9 का जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे दिख जाएगा। तो टैली ईआरपी 9 जो है, टैली ईआरपी, ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग, और जो 9 है लास्ट में वो है उसका वर्जन। टैली के बहुत सारे वर्जन आपको मिल जाएंगे, 8.1, 7.2। तो इसमें ये जो हमारा ये नेक्स्ट वर्जन जो अभी इस समय जो लेटेस्ट वर्जन है वो है टैली ईआरपी 9। तो चलिए शुरू करते हैं, क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं टैली ईआरपी 9 को और देखते हैं हम लोग को सबसे पहले कैसा इंटरफेस आपको दिखेगा। आप देख सकते हो ये इसका स्लोगन है, आप टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख रहा है। सबसे पहले स्टार्टअप में है, तो हमें यहाँ पे अगर लाइसेंस वर्जन, अगर आपके पास लाइसेंस है टैली का तो आप इसके ये ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, या फिर अगर आपके पास एजुकेशनल मोड है, वर्क इन एजुकेशनल मोड में भी जाके आप एक्टिविटी कर सकते हो। तो उसके लिए लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल लेटर में यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं। अब यहाँ पे W लिखा है, इट मीन्स कि आपको सिर्फ W बटन प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करोगे आप वर्क इन एजुकेशन मोड में चले जाओगे, या फिर माउस से भी क्लिक करके उसको एक्टिव कर सकते हो। तो टैली में आपको बहुत ही कम ही माउस का यूज करने को होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड में, और ये कुछ इस तरह का सबसे पहले मिलेगा गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली, मतलब टैली के अंदर जाने का ये रास्ता है आपको। तो ये है गेटवे ऑफ टैली, उसके अंदर ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है, और ये यहाँ पे टाइटल बार है आपका। टाइटल बार में ऊपर सबसे पहले जो टैली का जो वर्जन रहेगा वही लिखेगा, टैली ईआरपी 9। देन उसके बाद जो ऑप्शंस है आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, देन उसके बाद ऑप्शन आता है करंट पीरियड, और यहाँ पे करंट डेट आता है। करंट पीरियड मतलब क्या होता है, जो फाइनेंशियल ईयर रहता है ना, वो मतलब 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021, मतलब 1 ईयर का फाइनेंशियल ईयर होता है, तो वो आपका पीरियड बताता है। और देन यहाँ पे करंट डेट, जो आज का डेट है वो आपका करंट डेट बताएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज, उसके नीचे ऑप्शन दिया है नेम ऑफ कंपनी, और देन जो भी कंपनीज यहाँ पे इस समय एक्टिव है, मतलब जो आप टैली में बहुत सारी कंपनीज का डेटा एक साथ मैनेज कर सकते हो। तो फिलहाल इस समय एक ही कंपनी सिलेक्टेड है, वो बोलते हैं राज प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे लास्ट एंट्री डेट, जैसे व्हाट्सएप में आपको लास्ट सीन देखने को मिलता है कि लास्ट टाइम आपने कब इसमें कब लास्ट टाइम आपने व्हाट्सएप ओपन किया था, तो वैसे ही कुछ इस तरह है कि लास्ट टाइम कब आपने इसमें एंट्री की थी। तो ये फिलहाल अभी कुछ नई कंपनी है, और इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे वाउचर एंटर्ड नहीं है। तो फिलहाल अभी ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग देखेंगे कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो हम लोग नई कंपनी क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले तो ये जो राज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मुझे उसको डिलीट करना पड़ेगा, मैं डिलीट कर देता हूँ और एक नई कंपनी बनाता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी इन्फो में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हो, यहाँ पे डेट चेंज करना है आपको तो F2 प्रेस करना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि यहाँ पे F1 है और यहाँ पे है Alt F1। कैसे पता चला मुझे, यहाँ पे जो सिंगल अंडरलाइन है आप देख सकते हो, ऊपर जो F1 है और नीचे F1 है, लेकिन यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन है। सिंगल अंडरलाइन मीन्स क्या है कि वो बटन, वो फंक्शन को यूज करने के लिए आपको अल्ट के साथ F1 प्रेस करना पड़ेगा। और डबल अंडरलाइन है, आपको आगे दिखेंगे कहीं कहीं पे कि वहां पे डबल अंडरलाइन है। अभी जैसे यहाँ पे सपोर्ट सेंटर में आप देख सकते हो H के नीचे डबल अंडरलाइन है, कंट्रोल सेंटर्स के अंदर यहाँ पे K के नीचे डबल अंडरलाइन है। इट मीन्स क्या है कि ये फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोग को कंट्रोल के साथ K बटन को प्रेस करना है। तो हम लोग को कंपनी इन्फो में जाना है, हम लोग को नई कंपनी बनानी है, तो कंपनी इन्फो में जा सकते हैं। अब देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस समय यहाँ पे राज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनी है। तो कंपनी इन्फो में कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। सेलेक्ट कंपनी में क्या है कि अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी में आप टैली में बहुत सारी कंपनीज का डेटा, मतलब 3-4 कंपनी का भी डेटा रहेगा तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इसमें सेलेक्टेड कंपनी में वही ऑप्शन दिया है कि अगर आपका अलग अलग जगह पे 3-4 कंपनीज है आपकी अलग अलग जगह पे है, तो आप एक ही जगह बैठ के मतलब वो कंपनी का सारा जो अकाउंटिंग है वो काम मैनेज कर सकते हो। तो सेलेक्ट कंपनी में आप जैसे ही जाओगे ना, तो जितनी भी आपकी कंपनीज रहेगी तो आपका लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे राज प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है,
और ये कंपनी का कोड है और ये 1 अप्रैल उसका फाइनेंशियल ईयर है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल का सेलेक्ट कंपनी में दिख जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ पे राज प्राइवेट लिमिटेड है। देन यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट कंपनी। कनेक्ट कंपनी में क्या होता है कि कुछ चीजें होती है जो क्लाउड बेसिस पे होती है। अब जैसे कि अगर आप गांव कहीं घूमने चले गए हो और वहां से भी आप मैनेज करना चाहते हो अपनी कंपनी को, तो कनेक्ट कंपनी में जाके वो ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हो। बस आपका एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड डालना है और रिपीट पासवर्ड और यूजर लॉगिन आईडी और देन उसके बाद आप उसको मैनेज कर सकते हो। देन ऑप्शन है यहाँ पे शट कंपनी का। अब शट कंपनी में क्या होता है कि जैसे कि ये राज प्राइवेट लिमिटेड मैंने बनाई है, मुझे क्या करना है, इसको इस समय बंद करना है, मुझे कोई और कंपनी ओपन करना है, तो फिर तो इसका हम लोग शट कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो नेम ऑफ कंपनी के नीचे यहाँ पर राज प्राइवेट लिमिटेड दिया है। तो अगर मैं शट कंपनी में जाता हूँ, शट कंपनी में जाता हूँ, अब आपको ऑप्शन दिख जाएगा लिस्ट ऑफ कंपनी, मतलब जितनी भी कंपनी यहाँ पे एक्टिव रहेगी ना, वो कंपनी यहाँ पे लिस्ट में सब दिखाएगी। तो हमें क्या करना है, राज प्राइवेट लिमिटेड को बंद करना है। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको एंटर आप कर दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ से जो राज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी वो हट गई है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करेगा करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट तो हम लोग को करना नहीं है, रिमोट यूजर में लॉग इन नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है अभी कंपनी क्रिएट करना है। तो क्रिएट करते हैं, देखते हैं। अब जैसे ही आप क्रिएट कंपनी में जाओगे, सबसे पहला ऑप्शन रहेगा इसमें डायरेक्टरीज का। अब डायरेक्टरीज मतलब क्या होता है कि जब आप कंपनीज क्रिएट करोगे तो वो कहाँ पे सेव होगा, तो वो उसका पैथ मतलब उसकी जगह दिया है, वो यहाँ पे सेव होगा सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, पब्लिक, फिर टैली ERP 9 और उसके बाद वो जो डेटा नाम का फोल्डर रहेगा या फिर फाइल रहेगा उसके अंदर जाके आपकी जो कंपनी बनेगी उसकी सारी डिटेल फिलअप होगी। नेम यहाँ पे आपकी कंपनी का जो भी नाम हो तो आप वो डाल सकते हो यहाँ पे, जी जी प्राइवेट लिमिटेड, तो जो भी आपकी कंपनी का नाम है उसका नाम आपको डालना है और देन एंटर करना है। और मेलिंग मेलिंग नेम क्या है, यहाँ पे जो आपका कंपनी का नेम रहता है वही आपका मेलिंग नेम रहता है। देन आपका जो भी ये एड्रेस है कंपनी का वो आप एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे, कंट्री इंडिया रहेगा और फिर जो भी आपकी कंट्री है, और स्टेट में आप डालोगे यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। फिर आपका पिन कोड नंबर, अब उसके नीचे कुछ डिटेल्स है आपको अगर फिलअप करनी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हो। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं, फिलअप करना जरूरी रहता है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम और बुक बिगिन फ्रॉम। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। किसी भी साल का, कोई भी साल का जो 1 अप्रैल रहता है वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग होता है, और जो एंड होता है वो किसी भी साल का जो 31 मार्च जो रहता है ना वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कब बिगिन हो रहा है, मतलब कब शुरुआत हो रही है उसकी, तो 1/4/2020 और बुक बिगिन फ्रॉम, इट मीन्स अब ये भी दोनों सेम ही है। इट मीन्स क्या है कि फाइनेंशियल ईयर तो 1/4/1 से चालू हो रहा है 1 अप्रैल से, लेकिन जब हम लोग मतलब जो कंपनी जो है मेरी जब से चालू हुई है ना, तो वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि 1/4/2020 मतलब कि 1/4/2020 से मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेरी जो कंपनी है, मैं मुझे नई कंपनी खोलनी है और मैंने नई कंपनी दिसंबर के महीने में खोली, ठीक है, तो आप बुक बिगिन फ्रॉम में वो वाली आपको डेट डालनी है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं इसको एज इट इज। देन इसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल है, इसके बाद टैली के अंदर पासवर्ड भी आप डाल सकते हो ताकि कोई और आपका कंपनी ओपन ना कर सके, ठीक है। तो आपको अगर प्राइवेसी चाहिए या फिर अपनी कंपनी का डेटा सिक्योर चाहिए तो आप इधर पासवर्ड लगा सकते हो। देन अनदर ऑप्शन है यहाँ पे करेंसी, बेस करेंसी सिंबल। अब बेस करेंसी सिंबल क्या होता है कि अगर आप इंडिया में हो तो ऑब्वियसली आपकी करेंसी सिंबल जो है वो रुपीज होगी, तो वैसे ही आप कंट्री अलग अलग चेंज करते हो तो बेस करेंसी सिंबल आपका चेंज होते रहेगा। फॉर्मल नेम यहाँ पे INR है, फिर सफिक्स ये नो रहने दीजिएगा, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, मतलब अगर 10,000 है तो ऐसा रुपीज का साइन रहेगा, सिंबल और अमाउंट्स के बीच में थोड़ा सा क्या रहेगा, एक स्पेस रहेगा, जैसे कि रुपीज का साइन रहेगा यहाँ पे, ये जो रुपीज का साइन आपको दिख रहा है उसके इसके बाद थोड़ा सा स्पेस रहेगा और देन यहाँ पे 10,000 लिखा रहेगा, तो वो ऑप्शन हम लोग को फिलहाल नहीं चाहिए। देन अनदर ऑप्शन है शो अमाउंट इन मिलियन, मीन्स क्या है कि जैसे ही 10 लाख होगा तो उसको 1 मिलियन शो करने लगेगा, तो ये अमाउंट भी आप नो रहने दीजिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी आपको चाहिए तो उसको क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो, ना तो 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, जैसे 10 रुपया 50 पैसा हुआ तो वो डेसिमल प्लेसेस, और वो वर्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा डेसिमल को क्या किस चीज से रिप्रेजेंट करना है, तो पैसे से रिप्रेजेंट करना है, जैसे 2 रुपए 30 पैसे, वैसे ही यहाँ पे डॉलर में रहेगा $3.50, तो वैसे ही यहाँ पे आपको डेसिमल में लगाना है।
डेसिमल प्लेस ऑफ वर्ड टू, मतलब दो अपने को डेसिमल प्लेसेस चाहिए। अब एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है एक्सेप्ट वाई, यस और नो, तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप ऑब्वियसली एंटर करके भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज वाई एंड एन, वाई यस के लिए काम करता है और एन जो है वो नो के लिए काम करता है। तो आप एन प्रेस कर दोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और वाई प्रेस कर दोगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर आप एंटर भी कर देते हो तो एक्सेप्ट हो जाएगा। आप एंटर कर देते हैं, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जीसी प्राइवेट लिमिटेड जो मैंने कंपनी अभी बनाई है, जीसी प्राइवेट लिमिटेड ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है और कंपनी इन्फो में आप देख सकते हो यहाँ पे। अब शॉर्ट कंपनी में जाते हैं, अगर मुझे ये कंपनी बंद करनी है और मेरी जो पहले राज प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी थी उसको ओपन करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको शॉर्ट कर दूंगा। शर्ट है जीसी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब जितनी भी कंपनी यहाँ पे एक्टिव रहेगी ना तो शर्ट कंपनी में यहाँ पे दिखाई देगी कि किस कंपनी को आपको बंद करना है। तो जीसी प्राइवेट लिमिटेड बंद करना है, बंद कर दिए। अब यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो आप सेलेक्ट कंपनी का, अब सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो कंपनी हम लोग को दिख रही है, एक तो राज प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी जीसी प्राइवेट लिमिटेड। राज तो पहले से बनी हुई थी और जीसी जो हम लोग ने अभी बनाई है, तो इस समय कौन सी कंपनी ओपन करनी है, सेलेक्ट कंपनी में जाके जीसी प्राइवेट लिमिटेड को एंटर कर दो आप, ऑटोमेटिकली वो कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे अल्टर का। अब अल्टर होता क्यों है, अल्टर होता है कि मैंने कंपनी तो बना ली, ठीक है, हो सके मैंने उसमें कुछ मिस्टेक कर दिया, जैसे मैंने कंपनी का नाम जो है कुछ गलत डाल दिया है, तो आप अल्टर कर सकते हो उस चीज को, उस चीज को फिक्स कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। अभी देखते हैं अल्टर में जाते हैं क्या ऑप्शन मिलता है हम लोग को। अल्टर में जाएंगे, अब जितनी भी कंपनी यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगी यहाँ पे नेम ऑफ कंपनीज में, तो वो सारी कंपनी का लिस्ट दिखाएगा कि आपको अल्टर किसको करना है। तो मुझे किसको करना है, जीसी प्राइवेट लिमिटेड को, एंटर करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी अल्टरेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। अब जैसे मेरा पिन कोड गलत हो गया तो मैं यहाँ पे पिन कोड अपना चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे जो भी मेरा पिन कोड है वो डालो और एंटर करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो वो सारी चीजें हैं अल्टर के अंदर। फिलहाल फर्स्ट लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंपनी के अंदर लीजर्स कैसे क्रिएट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।